हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस, यहां पर आज हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो हम चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हम लोग आज यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर आप लोग चाहो तो मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हो, आप ईमेल में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में आप लोग को जाना है, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आज है चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मार्क 1 वाले। कि यहाँ पे जो हमारा कोलराज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन इन फाइनाइट डाइल्यूशन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये तो इतना चिंदी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से कि कभी भी, अब ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बट आपको करना पड़ेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस जो मोल्टन NaCl होता है, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो, जो पेल ग्रीन Cl2 होता है वो रिलीज होता है एट द एनोड, ये प्रैक्टिकली है। मोल्टन सिल्वर वाइट सोडियम इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, ये भी करेक्ट है। डिपोजिशन ऑफ द NaCl इनटू Na, यानी कि जो सोडियम मेटल एंड Cl2 ऑब्वियसली होता है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे अगर नेट सेल रिएक्शन की बात की जाए तो एनोड कैथोड पे, देखो यहाँ पे एनोड में Cl आता है, देखो यहाँ पे एनोड में, फिर कैथोड में हमारा सोडियम यहाँ पे आता है। और अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो ओवरऑल रिएक्शन ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सब कुछ समझ के रखना है कि ओवरऑल रिएक्शन एंड कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, तो पता चलता है कि सब अपने अपने पॉइंट पे हो रहे हैं, तो सब ऑल ऑफ द अबव आएगा। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटीज पर ओहम पर मीटर होती है, ठीक है, ये आपको ये तो सीधा याद होना चाहिए ना यार, इसमें क्या है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ एंड वर्सेस जो हमारा रूट सी है यहाँ पे, ठीक है, जो कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी, यानी कि रूट सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये नॉट लीनियर होता है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो हमारा SHE है, SHE, ठीक है, तो ये प्लैटिनम एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ऑब्वियसली हम लोग हमारे SHE में एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट ही तो रहता है, और वही है प्लैटिनम का, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड EH2 इज कैलकुलेटेड थ्रू नो या टू द नन, इसको देख लो, तुम लोग कुछ और पढ़ते रहोगे, मैं इसको नर्नेस्ट पढ़ता हूँ, तुम इसको ननस्ट पढ़ सकते हो। इक्वेशन वेयर हमारा जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है यहाँ पे इज कितनी होगी, ये बात आपको थोड़ा सा समझ के रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बताया हुआ है तो ये 0 होती है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके आगे निकलते हैं हम लोग, यहाँ पे व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड ए मेटल इज फॉर्म्ड एज निगेटिव इलेक्ट्रोड, इस बात को भी आपको यहाँ पे जरा ध्यान देना है। चलिए, तो अभी हम लोग जरा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे समझते हैं। कि हमारा 8th यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मतलब द मोलार कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन 1:1 पॉइंट यहाँ पे जो भी देके रखा है, 2.42 यहाँ पे समथिंग दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3। तो फटाफट सॉल्व करने का कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 100 K/C, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ के रखना है। देन उसके बाद C इज इक्वल टू 100 × K/ यहाँ पे मोलार कनेक्टिविटी, सबको यहाँ पे फटाफट डाल दो और आप लोग को यहाँ पे मोलार कनेक्टिविटी की यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोलार कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना था, कंसंट्रेशन को हम सी से दिखाते हैं, ठीक है। जो मोलार कंडक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे देके रखी है 1:1, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से समझ के रखना है। ओके, तो देखो, कभी भी के को हम लोग कनेक्टिविटी कहते हैं और ये इस साइन को उल्टा वी को मोलार कनेक्टिविटी कहते हैं, तो आपको इतना यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है लगाने का बस। क्वेश्चन नंबर 9, SL कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 इलेक्ट्रोड ए हैविंग द पावर, यानी EMF जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड EMF इतना, एंड यहाँ पे हमारा बी का इतना पावर है EMF, ठीक है। ये ई यहाँ पे ई का मतलब है EMF, यही थर्मोडायनेमिक में होते तो ई का मतलब या एच का मतलब इंथैल्पी होता है। हैज वैल्यू ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इक्वल टू 0.07 वोल्ट यहाँ पे है। देखो, हमको पता है कि टोटल स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज नथिंग बट कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे कैथोड कौन सा है हमारा ये, एनोड कौन सा है हमारा ये, इस बात को फटाफट यहाँ पे तुम लोग को ध्यान रखना है और सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कि आपको ये आंसर मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। आगे निकलते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल ऑफ फॉर द गैल्वेनिक सेल विद इलेक्ट्रोड्स, ये वाला देखो इलेक्ट्रोड यहाँ पे कोबाल्ट और हमारा मैंगनीज का यहाँ पे इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है, और ये हमारा मैंगनीज और यहाँ पे कोबाल्ट दोनों का यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF दिया हुआ है।
ये आंसर आएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे करने का, वही कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पे हमारा जो कैथोड का काम है वो मैग्नीशियम मतलब जो मैग्नीज है क्योंकि वो मेटल करेगा ज़्यादा मतलब यहाँ पे है, और कोबाल्ट भी यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू भी देके रखा है। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज यहाँ पे देखो गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे एंड दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस 3 वोल्ट आ जाएगा। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूँ कि नून अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग 9th से लेकर के 12th तक का स्टडी पूरा अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम आर डन, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पे डेली फ्री लाइव क्लासेस मिलता है। फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ द क्लास, एमसीक्यू एंड प्रिपरेटरी सेशंस फॉर एमएसटी सीईटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एजुकेशन मिल रहा है। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, आप कभी भी कितने भी डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो, चाहे 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आप मेरे साथ भी नून अकेडमी में पढ़ सकते हो, मैं भी नून अकेडमी में टीचर हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, नून अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आप लोग को अंदर जाना है, आप यहाँ पे सभी टीचर के अपने अपने ग्रुप होते हैं जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ग्रुप मिलेगा, तो मेरा भी एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे मैंने ग्रुप का नाम रखा है 10th क्लास 10th MSBSSE। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 10th, बट वो क्लास 10th सिर्फ लिखा है, आप वहाँ पे 12th का भी वीडियो आपको सब कुछ मिलेगा। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो मुझसे ज्वाइन करना तो यहाँ पे देखो ऐसा, जब आप उस फ्लैश कार्ड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे देख लो मेरा नाम भी लिखा हुआ है तो थोड़ा अभी ब्लर दिख रही है, तो वहाँ पे आप जाओगे आपको प्रॉपर दिखेगा, इसी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाना है। जैसे आप लोग ज्वाइन हो जाओगे ना तो समझ लो कि आप लोग मेरे से पढ़ सकते हो एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं गाइस, प्लीज अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना भूलना नहीं है। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन मार्क वाले, चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला है, गिव एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये तो ओमेगा मीटर होता है मतलब ओहम मीटर होता है। व्हाट इज द सेल वोल्टेज, सेल वोल्टेज इज नथिंग बट डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड, जो सेल वोल्टेज होता है वो एनोड और कैथोड के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस कहलाता है। राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अरे भाई अभी 3 तो सॉल्व किया, कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पे देखो ना और क्या चाहिए। ठीक है, आगे निकलो, नेम दी प्रोसेस बाय विच वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ये तो भाई यहाँ पे हमारा वाटर टू हाइड्रोजन गैस रिडक्शन करते हैं वाटर का हाइड्रोजन गैस में। अगला क्वेश्चन, राइट द केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज, ऑब्वियसली कोई भी बता देगा पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और 5% ऑफ अगार सॉल्यूशन। ठीक है, राइट द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड थ्रू दी निकार्ड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, निकार्ड मतलब निकार्ड मतलब निकल नहीं होता बाबा, मतलब निकार्ड मतलब निकल एंड कैडमियम, निकल नाम का एक यहाँ पे मेटल होता है, ये मैं समझना निकल कह रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर बोल रहे हैं निकल निकल फैली फुर्सत में। ठीक है, तो ऐसा किसी भी फुर्सत में निकलने का नहीं है, निकल एक एलिमेंट का नाम है, निकल एंड कैडमियम प्रोड्यूसर्स अ पोटेंशियल ऑफ 1.4 वोल्ट। आगे निकलते हैं, राइट एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओहो, तो देखो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, तो ये रिलेशन बच्चा ही बता देगा अगर तुमने थोड़ा भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा जीवन में पहले, ये फॉर्मूला याद कर लो आगे भी काम आएगा, तो फिर बाद में मत कहना कि फॉर्मूला याद नहीं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मोलार कनेक्टिविटी और यहाँ पे देखो ये भी मोलार कनेक्टिविटी है, तो ये दोनों का यहाँ पे पूरा अच्छे से रिलेशन मस्त दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ये इसको फिलहाल हम डेल पढ़ते हैं, इसको हम लोग फिलहाल डेल पढ़ते हैं, तो डेल नॉट लिमिटिंग मोलार कनेक्टिविटी यहाँ पे है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन टाइप 1, 2 मार्क्स की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं अच्छे से। पहला, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो हमारे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो उसका डायग्राम बना के दिखाओ। आपको क्या लगता है मैं डायग्राम बनाऊंगा, हमको खुद डायग्राम नहीं आती बनाने तो मैं आपको क्या बना के दूंगा। तुमको पता है मैं सबसे ज़्यादा खराब किस चीज़ में हूँ, मेरे को डायग्राम ही नहीं आती आज तक, मतलब मैं ज़िंदगी में एक डायग्राम नहीं बनाया। सोचो मेरे को सिर्फ एक ही डायग्राम आती है, वो भी एक कमल का फूल, मैंने जो बहुत पहले सीखा था कमल का फूल बनाना, तो मैं कमल का फूल बना लेता हूँ जब मैं बचपन में था तब मैंने सीखा था और टीचर ने मुझे मार मार के समझाया था, देखो मैंने कमल का फूल बना लिया प्यारा सा, तो मुझे कमल का फूल बहुत जल्दी आता है, इसको भी मैंने 5 लगातार सीखे थे। ऐसी बात नहीं कि मुझे डायग्राम नहीं आती, मैं सीख सकता हूँ बट स्टिल नहीं आती तो नहीं आती तो मैंने यहाँ पे बना के आपको दे दिया, देख लो। तो भैया ये डब्बा बना देना, मतलब ये हमारा जो अच्छे से प्यारा सा एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी डाल दो, सॉरी पानी नहीं है, मोल्टेन सॉल्यूशन है यहाँ पे NaCl का, इसके अंदर हमारे सोडियम और क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ये सब ब्रेक डाउन होगी, बैटरी है यहाँ पे, DC सोर्स ऑफ द करंट जाएगा, फ्यूज NaCl यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज NaCl फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, आता एग्जाम में हर साल। What are the functions of salt bridge in galvanic cell? The most important question, 2017 के पेपर में भी आया था, मेरे को अभी भी याद है और इसीलिए कहता हूँ कि 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो ये भाई पहली बात तो ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन एंड देयर बाय कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और ये मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन में भी हमारा प्रिवेंट करता है। आगे का तो आप पढ़ ही लोगे, इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी।
डिराइव रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो के और ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि ईएमएफ जिसे आप देखो ऐसा मत कहना कि मैं ई को यहाँ पे ईएमएफ कह रहा हूँ, यहाँ तो पोटेंशियल होता है। अरे बाबा एक ही बात होती है, पोटेंशियल मंजे का है, पोटेंशियल मंजे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ। चलो तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो बाद में ना कह देना कि मतलब ऐसा कहते हो सर आप, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है? नहीं तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मतलब आगे का वीडियो देखेंगे नहीं, पहला पहला शब्द को देख के अरे इन्होंने तो कुछ भी कह दिया। आगे निकलो तो माइनस डेल्टा जी, ये हमारा गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसको जरा ध्यान देना अच्छे से। तो गिब्स एनर्जी जो है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका होता है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए था, अगर हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक का इस्तेमाल किया जाए तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है, और इन दोनों को हम लोग रिलेट कर देंगे, रिलेट करेंगे तो कुछ कटेगा, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये हमारा रिलेशन है इतना सा, तो ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स को आ सकता है, और कभी कभी तो ये 2 मार्क्स को भी आ सकता है, और कसम से कहता हूँ आगे के न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा, तो याद कर लो फॉर्मूले को। राइट एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ, देखो इसके एप्लीकेशन क्या, थियरी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सोचो यार, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे किसी की मोलर कनेक्टिविटी को तुम फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग हिज लॉज। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब देखो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिसिटी निकल मतलब मोलर कनेक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ तो सिर्फ वीक का भी फाइंड कर सकते हैं एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इस बात को समझ के रखो। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, प्यारा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो क्रॉस सेक्शन यानी एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, तो ये यहाँ पे एल अपॉन ए होता है, और इसका यूनिट हमारा हो जाएगा पर मीटर। आगे निकलते हैं, मेंशन डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी, तो आप लिख देना कि मैंने कभी सेट ही नहीं किया है। ओके इट्स ओके यार, चलो कोई नहीं, यहाँ देख लो। तो ये भाई डिफरेंट है कि प्योर आपको ड्राई हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलती, पहली बात तो आपको प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस मिलेगी ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझ के रखना है। उसके आगे निकलते हैं हम लोग, जो हमारा प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मालूम है कि जब हमारा ना तो प्रेशर मेंटेन हो सकता है और ना हमारा यहाँ पे प्योर हाइड्रोजन, हमारा ड्राई हाइड्रोजन हमको नहीं मिलता है, तो ये सब कारण है कि जिसकी वजह से हम प्योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बना पाएंगे, जो रिक्वायरमेंट वही नहीं हमको मिलेगा तो हम क्या उधर घंटी बजाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द मास ऑफ 2.03 एम्पियर करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 आवर, मोलार मास ऑफ द कॉपर गिवन है 63 ग्राम पर मोल। देखो करंट का स्ट्रेंथ है इतना, मोलार मास दिया हुआ है इतना, 1 आवर में होते हैं इतने सेकेंड, ये हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, मोल रेशियो पूछा है, मोल रेशियो क्या होता है, मोल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू द हाफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये मोल रेशियो हो गया, ये हमारा यहाँ पे देखो फॉर्मूला, ये दूसरा हमारा वेट का मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमारा यहाँ पे है। आगे निकलते हैं, तो ये I into T अपॉन 96500 into मोल रेशियो into मोलार मास, मोल रेशियो हमें नहीं पता होता इसीलिए हमने यहाँ से निकाल लिया मोलार मोल रेशियो, मोलार मास तो हमें किसी का भी पता चल जाता है ना। अभी यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट का रिएक्शन देखो, पहले कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके CO बन गया, ठीक है? यहाँ पे जब ध्यान देना अच्छे से, कॉपर आयन, कभी भी आपको पता होगा कि सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करता है तो यहाँ पे Na+ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो एक बात ध्यान रखो, अगर ये Na मतलब Na और प्लस है तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा ये रिएक्शन, अगर देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो Na+ बन गया, अगर Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वापस से Na बनता है, तो वैसे ही कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वापस से कॉपर बन जाएगा। यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो मोल रेशियो कितना बन रहा है, तो मोल रेशियो यहाँ पे 1/2, देखो यहाँ पे 1/mol, 2 mol ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो ना मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दी हाफ रिएक्शन, तो कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कॉपर एक ही फॉर्म हुआ है, कॉपर एक फॉर्म हुआ है, लेकिन उसमें कितने मोल के कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 mol ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 2 mol, तो 1/2 इसका रेशियो बन गया, मोल रेशियो हमारा 1/2 बन गया। मोलार मास तो हमको देखो गिवन ही है, मोल किधर गया, देखो मोलार मास तो हमको गिवन ही है, और हमको I into T, तो टाइम हमको 3600 सेकंड है, एम्पियर भी देखो हमको करंट, देखो कंपेयर हमको यहाँ पे एम्पियर भी करंट दिया, नीचे ये वैल्यू है, ये सभी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करने का और ये मिल जाएगा 2.4। समझा कि नहीं समझा, आगे निकलते हैं। मर्क्यूरी बैटरी प्रोवाइड्स मोर कॉन्स्टेंट वोल्टेज देन एनी अदर ड्राई सेल, एक्सप्लेन वाई, बिकॉज ये हमारा लैक लेंस ड्राई सेल होता है और इसके पास सॉलिड सब्सटेंसेस के फॉर्म में चीज़ें मतलब यूज होती हैं और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन का यूज नहीं होता ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तो इसलिए बहुत आगे होता है ये। रिप्रेजेंट्स द गैल्वेनिक सेल फ्रॉम फॉलोइंग ओवरऑल सेल रिएक्शंस,
तो ये जो रिएक्शन है इसमें से ना आप लोग क्या करना है, गैल्वेनिक सेल को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो भाई कुछ और करना नहीं है, निकल है और देखो इधर निकल है, तो इन दोनों को यहाँ पे पास में लिख दो। फिर इसका ये एल्युमिनियम है और ये एल्युमिनियम है, तो इन दोनों को पास में लिख दो। और क्या, कभी भी देखो ये जो डबल है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करता है, और ये जो दोनों है ये सॉल्यूशन को सेपरेट करता है ये लाइन, ठीक है। कभी भी पहले नॉर्मल लिखने का देन आयन वाला लिखने का, जैसे कि मतलब मान लो जैसे सोडियम है तो सोडियम देन उसके बाद सोडियम का प्लस वाला लिखने का, समझ रहे ना। तो निकल देन उसका प्लस वाला, फिर एल्युमिनियम फिर उसका ऐसा, समझ रहे हो ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ Zn 2 प्लस टू Zn। कितने मोल यहाँ पे, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ पे तो Zn 2 प्लस से Zn बनाना है, तो पहली बात तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आप ही बताओ, अगर मुझे सोडियम प्लस से और मुझे सोडियम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरा सोडियम प्लस सोडियम बन जाएगा ना। तो वैसे ही Zn 2 प्लस है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब जाके जिंक बनेगा ये, ठीक है। तो इक्वेशन शोज दैट जो हमारा 1 मोल ऑफ Zn है, यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ Zn 2 प्लस है वो रिड्यूस होता है Zn में बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मतलब देखो कभी भी कैसे पता चलता है कि ये 1 मोल है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये 1 मोल कहलाएगा। तो 1 मोल ऑफ Zn 2 प्लस को Zn बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल बोला ना, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल के लिए कितना देना पड़ेगा, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों जैसा क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात की जा रही है भैया, यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है, मंजे का ईएमएफ मंजे होता है पोटेंशियल। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इसको यहाँ पे जरा ध्यान दो, तो ईपीबी ई Zn हमको पूरी वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड बच्चा भी जानता है। अब यहाँ पे फटाफट देखो, ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है, इन दोनों रिएक्शन को कैथोड माइनस एनोड कर देंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी और ये आंसर। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस ये फॉर्मूला और कैथोड एनोड पहचान लो, डाल दो यहाँ पे सीधा, पुट कर दो फॉर्मूले में, आंसर मिल जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला, स्टेट कोलराज लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस, दिस इज द कोलराज लॉ, ठीक है। अगला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर गिब्स। अब ये क्या समझाऊं मैं, मैंने ये थियरी आपको पहले समझा दिया ना डेफिनेशन, तो आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा ना, तो ये तो कर ही लोगे। डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल एंड सेल पोटेंशियल। आप कहोगे सर इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, कोई आ गया क्या? ओके नहीं यार कोई आया नहीं है, बट स्टिल ऐसे धीरे बोलो। चलो आगे निकलते हैं। तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। तो रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंजेस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल रिएक्शन था या फिर सेल पोटेंशियल, तो वही चेंजेस इन द सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। तो भाई रिलेशन बताना है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल, ये आपको पता ही है। आगे निकलो, चार्ज कितना पास होगा, एन इंटू एफ के बराबर। एफ मतलब यहाँ पे जो हमारा मतलब वैल्यू होती है कूलम में, और ये हमारा जो एन है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। उसके बाद यहाँ पे देखो सारे चार्जेस जो पास होंगे, एन एफ कूलम हमारा बन जाएगा, ये एन एफ ही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क है। सब करवा के दिया है, ये थियरीज मैंने सब करवा के दिया है रे बाबा, जितने भी यहाँ पे थियरीज है सबके सब मैंने करवा के दिया है। तो कोई टेंशन की आप लोग को बात नहीं लेनी है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना अच्छे से। Now, under standard state condition, we write delta G is equal to NFE. हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, this is the relation, this is the हमारा pure relation. ये बहुत अच्छे से relation में, देखो इनका कभी breakup नहीं होता। चलो आगे निकलो। हमारे आधे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जानते हो, टेलीग्राम में आधे से ज़्यादा बच्चे लोग हैं, वहाँ पे करीबन 85,000 ज़्यादा स्टूडेंट आ चुके हैं। आधे जितने भी बॉयज़ हैं सिर्फ इसलिए उस ग्रुप में आते हैं कि उनको किसी गर्ल्स का वहाँ पे कॉन्टेक्ट मिल जाए, और दे आर कॉन्टेक्टिंग कंटिन्यूसली। अच्छी बात नहीं है, और एजुकेशन के लिए ग्रुप बनाया फिर भी आधे बच्चे यही ट्राई करते हैं कि वो उनसे बात करना शुरू कर दें। गर्ल्स भी कम नहीं होती, क्योंकि आज समझ में आया, आज नहीं मतलब और भी पहले भी समझ में आया कि गर्ल्स भी खुद भी मैसेज करते हैं। तो सभी का पता चलता है कि क्या क्या तुम लोग करते हो ग्रुप के अंदर। तो यार ऐसे रिलेशन लगाओ, बाकी रिलेशन अभी मत लगाओ, जब कॉलेज में जाओगे तब लगा लेना, सीनियर कॉलेज में। 12वीं तक शिद्दत से पढ़ना होता है, अब तो लास्ट के एक महीने भी नहीं बचे, 20 दिन बचे, इसमें तो पढ़ लो। आगे आ जाओ, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, ऑल्सो राइट वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आंसर। देखो यहाँ पे तो ये वन एग्जाम्पल के साथ साथ और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पूरा अच्छे से देख दिया है। अब कर लोगे ना, इतना लिख लोगे ना, देखो पूरा सॉल्यूशन एकदम प्यार भरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे कर लो पूरा। हाँ चलो आगे निकलते हैं। राइट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी। पहला स्टेप डिटरमिनेशन ऑफ द सेल कॉन्स्टेंट,
क्योंकि अगर के नहीं पता होगा, के नहीं पता होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। के मतलब सेल, मतलब सेल कॉन्स्टेंट है, के तो अपना कंडक्टिविटी है। डिटरमिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, तो कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, देखो देखो बताता हूँ, देखो अगर सेल कॉन्स्टेंट पता होगा तो कंडक्टिविटी पता चलेगी, तो पहले सेल कॉन्स्टेंट निकालो फिर कंडक्टिविटी निकालो, और जब कंडक्टिविटी पता होगी तो जाके मोलार कंडक्टिविटी निकलेगी। क्योंकि देखो मोलार कंडक्टिविटी, देखो यहाँ पे बताता हूँ, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है के बाय सी, तो पहले के निकालो, तो के निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि सेल कॉन्स्टेंट अपॉन आर, ये सेल कॉन्स्टेंट है, सेल कॉन्स्टेंट समझा ना अच्छे से। फिर आगे निकलो यहाँ पे जरा, तो ये जो सेल, तो अभी सेल कॉन्स्टेंट पहले निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले सेल कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा, तो पहला स्टेप देने, दूसरा स्टेप देने, तीसरा स्टेप, समझा अच्छे से। चलो आगे निकलते हैं, अभी यहाँ पे देख लो, चौथा ड्रॉ अ नीट नेट लेवल डायग्राम ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑल्सो राइट इट्स वन एप्लीकेशन। तो देखो ये पूरा मस्त स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ठीक है, इसी को कहते हैं SHE। तो ये पूरा का पूरा इसको पढ़ अच्छे से बना लो, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स को पक्का आता है, कभी कभी ये 3 मार्क्स को भी आता है, बहुत दिमाग है इसको, और इसका यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो लिख ही लोगे। सिर्फ ये एग्जांपल नहीं भी दोगे तो भी देखो यहाँ पे लिखना, SHE इज यूज एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, तो इतना भी लिखोगे तो भी चलता है। आगे निकलते हैं, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज द फॉर्मूला और डेफिनेशन फॉर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो तो पहला एप्लीकेशन है रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे लिख दो, और दूसरा है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, देखो यहाँ पे लिख दो, दोनों मस्त बता देने का कि राइट टू एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखो यहाँ पे ये पहला एंड देन यहाँ पे हमारा दूसरा, मतलब देखो दूसरा इधर है और पहला इधर है, समझ रहे ना, तो ये आपको ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मतलब जो एप्लीकेशन है, तो पहले के अंदर ही यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट आ गए, दूसरे के अंदर हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए। आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, जो हमारा है कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, ये हमारा देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है इस तरीके से एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके चलो समझते हैं, जरा यहाँ पे देखो SN SN2+ और AG है यहाँ पे, AG देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो गिवन आपका यहाँ पे देखो ये वैल्यूज यहाँ पे आपको गिवन दी हुई है कि जो हमारा यहाँ पे EMF है और जो हमारा ये दूसरा यहाँ पे EMF है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझ के रखना है, देन आपको सब समझ जाएगा, ये गिवन वैल्यूज़ हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी वैल्यूज पहले लिख लेना है, देन उसका वोल्टेज ऑफ दिस जो सेल है हमारा, यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड होता है, ई ऑफ दिस सेल हमारा, ई स्टैंडर्ड सेल हमारा जो EMF पोटेंशियल है 0.0592 V अपॉन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये आपने थर्मोडायनेमिक में भी इसे पढ़ा होगा, राइट वी कैन राइट, देखो यहाँ पे हमारा जो हमारा यहाँ पे इससे इसके थ्रू, ये जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज ऑफ द सेल दिया, इसके थ्रू हम ये बनाएंगे, ये जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन है इसके थ्रू हम यहाँ पे रिएक्शन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन है, SN देन SN देन SN2, देखो SN2 बन गया, कितना है 0.02 मोलार और SN2 है ना, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एट एनोड। फिर ऐसे हमारा देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, इसके थ्रू हमारा देखो जो ये है, इसके थ्रू हमारा यहाँ पे दूसरा रिएक्शन हो गया, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी किया, देखो जानबूझ के ऐसे ही जस्ट बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होएगा यहाँ पे, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है ये SN प्लस हमारा जो ये AG है, 2 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, इसी ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ AG, और ये SN2+ यहाँ पे जो है SN2+ हो जाएगा, और प्लस हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स इससे जाएगा ना इसके पास, तो 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा AG है ये भी हो जाएगा। इसी रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड कर देंगे, जो वैल्यू जैसा रिपोर्ट कर देंगे ये आंसर आ जाएगा, हमको ई नॉट ऑफ दिस सेल देखो यहाँ से मिल गया, बस ये मिल गया, तो फिर SN2+ की वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AG देखो यहाँ पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फटाफट सारी वैल्यू पुट कर देंगे, और हमको इस तरीके सारी वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करेंगे, लॉग टेबल के थ्रू सॉल्व करके ये निकाल लेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट के लिए मैं डिफरेंट वीडियो लाने वाला हूं, तो डोंट वरी, बस इतना ध्यान देना, याद रखो कि यूजिंग लॉग टेबल सॉल्व हुआ है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कनेक्टिविटी सेल, ऑल्सो राइट नेट सेल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस NaCl डायग्राम। में यहाँ पे देख लो ये हमारा डायग्राम है, और इसके ऊपर नेट सेल रिएक्शंस यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। चलो आगे निकलते हैं, राइट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द मोल रेशियो, हाउ लॉन्ग विल टेक विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ AG मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मोलार मास ऑफ द AG इज इक्वल टू 107.9 ग्राम पर मोल। तो पहला आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जरा ध्यान दो अच्छे से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, कि मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द मोल रेशियो, हमको पता है कि मोल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। गिवन हमारे को यहाँ पे कि डिपॉजिटर कितना मास, करंट कितना है, मोटा मोलार मास ऑफ द सिल्वर, तो हमको पहले मोल रेशियो निकालना है, देन हमको यहाँ पे W मिल जाएगा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के
हिसाब से। देखो ये है हमारा रिएक्शन, इस रिएक्शन में जरा आप ध्यान से देखो कि हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही है और इलेक्ट्रॉन के मोल्स भी, मतलब इधर भी वन है इधर भी वन है, तो वन अपॉन वन, ठीक है। तो देखो हमको मोल रेशियो कितना मिल गया, वन अपॉन वन मिल गया। और हमारा जो यहाँ पे बगल में हमारा जो फॉर्मूला होता है, देखो आप देख सकते हो फॉर्मूला यहाँ पे, देखो मोलार मास का, देखो मोलार मास हमको 1079 देखो दे के रखा है, आपको पता चल जाएगा 1079 यहाँ पे। और जो ये वैल्यू है यहाँ पे आय पता है, टी पता है, देखो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, टी तो हमें सॉरी निकालना है, टाइम देखो यहाँ से हम इसको इधर भगाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे, इसको भी नीचे लाएंगे और सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जो टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 720 सेकंड मिलेगा और 12 मिनट हमको कन्वर्ट करने पे आ जाएगा। क्योंकि देखो 72 अगर मिनट को 60 से डिवाइड मारोगे तो जीरो कट के आपको यहाँ पे 12 मिनट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 12 मिनट आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इतना टाइम लगेगा। नाउ लॉन्ग आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई इज निकल कैडमियम सेल रिफर टू एज ए सेकेंडरी सेल। तो देखो यहाँ पे निकल सेल रिफर टू एज ए सेकेंडरी सेल बिकॉज केमिकल कंज्यूम ड्यूरिंग सेल और ड्यूरिंग द करंट जनरेशन कैन बी रीजनरेटेड, वापस से जनरेट कर सकते हो, इसीलिए इसको सेकेंडरी सेल कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेल में ही तो चीजें रीजनरेट होती हैं। राइट वर्किंग ऑफ निकाल स्टोरेज सेल ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। तो ये देखो वर्किंग है कंप्लीटली यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है वीडियोज में, तो जाके देख लेना। और इसकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे देखो लिख लो, निकाल सेल इज यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस कैलकुलेटर फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स ऑल्सो, ठीक है, इतना समझ के रखना। राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है और तीन बार क्वेश्चन आ चुका है पूरे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। देखो दिस इज द रिलेशन, ठीक है, यही रिलेशन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एज, इस तरीके से के अपॉन सी, ओके। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट मोलार कनेक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड NaCl। तो गिवन है मोलार आयोनिक कनेक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस Cl माइनस Na आयंस आर रिस्पेक्टिवली 10, इतना हमारा आयंस दिया हुआ है। चलो निकालते हैं यहाँ पे फटाफट अभी। तो देखो Ca2 प्लस का देखो यहाँ पे लैम्बडा नॉट Ca2 प्लस इतना दिया हुआ है, Cl का यहाँ पे देखो Cl का हमको देखो इतना दिया हुआ है, फिर देखो हमको Na प्लस का देखो Na प्लस का हमको देखो इतना दिया हुआ है, ठीक है, सबका पता चल गया। अब देखो हम सबको ऐड कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखो मोलर कनेक्टिविटी निकाल रहे हैं, हमने पहले क्या किया कैल्शियम को और Cl को ऐड कर दिया, दोनों को हमने जब यहाँ पे देखो ऐड किया 2 times यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, देखो हमको ये वैल्यू मिलेगी। फिर से ये हमारा CaCl2 का था, अभी हम लोग यानी देखो आप कहोगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो Cl 2 times है इसके लिए। NaCl देखो यहाँ पे सब NaCl रहेंगे, Na का यहाँ पे डाल लो यानी यहाँ पे Cl को डालो और दोनों को यहाँ से निकाल लो ऐड करके आंसर। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी का आंसर ये था, मतलब CaCl2 के लिए, और मोलर कंडक्टिविटी NaCl के लिए ये था आंसर। इस तरीके से दोनों का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट E naught ऑफ द सेल, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल्स। देखो यहाँ पे तो पहला ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, ये आपको पता ना सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो वैल्यू देके रखी है मैग्नीशियम की और हमारे को यहाँ पे सिल्वर की भी। राइट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव सेल्स, ऑल्सो मेंशन इफ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। देखो यहाँ पे तो हमको पहले स्टैंडर्ड चीज़ें वैल्यू देके रखी है, हम दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लिए। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के हिसाब से हमारा यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड होता है, तो हमने कैलकुलेशन में जब करना शुरू किया तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में हमारा कौन है यहाँ पे, कैथोड में हमारा ऑब्वियसली इस साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है। देखो ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, देखो यहाँ पे तो ये Ag आ जाएगा और यहाँ पे Mg, इन दोनों की वैल्यू कितनी, देखो ये यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमको 3.17 वोल्ट हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा फिलहाल एक हमारा ये आंसर हो गया। नाउ आगे भी बोला था इसने कि राइट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव सेल। देखो तो पहला हम क्या करेंगे, पहला सबसे इंपॉर्टेंट, देखो आपको पता है ना कि अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा सोडियम और Na प्लस, अगर मैंने ऐसा लिखा इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऐसे बनाया है, ठीक है। देखो तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम यहाँ पे Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्योंकि वैसे भी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जानते हो ना कितना होता है, 12 होता है, तो इसका 2 8 2 बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हमारा मैग्नीशियम लॉस करता है, तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और हमारा यहाँ पे देखो Ag है, तो पहले Ag+, अब पहले Ag+ लिखा इसका मतलब क्या है कि पहले Ag+ मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लेगा ही, देन Ag बनाएगा, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे थोड़ा समझने के, अगर हमने यहाँ पे 2 times मल्टीप्लाई में मार दिया, देखो अगर हमने क्या किया यहाँ पे, अगर देखो हमने इस पूरे रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देखो तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वाई, बिकॉज ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट साइड में, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़ सेम दिखती है तो कट जाती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब बचा क्या, इस साइड मैग्नीशियम और Ag बचा, देखो मैग्नीशियम Ag लिख लो, फिर एरो के इस साइड कौन बचा, Mg2+ यहाँ पे, और ये 2 Ag मिला तो 2 Ag लिख लो,
लिख लिया, यही है हमारा ओवरऑल रिएक्शंस, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ के रखना है। आगे निकलते हैं चैप्टर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शंस वर्किंग इन द टर्म्स ऑफ सेल रिएक्शंस एंड द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl देखो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्यूज्ड NaCl मतलब जो अभी वही डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ना, वही सेम डायग्राम देखो, आपको दो दो बार नहीं करना पड़ेगा, यही सेम चीज दो, देखो अगर पूरा क्वेश्चन बैंक भी कर ले तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे सब बताए तो दिया है, तो ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी किया था, तो वो अगर ये करते हो तो यहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी, इसके पहले भी दो मार्क्स का जो डायग्राम था वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, देखो जो डायग्राम में है ना वही बताना है यहाँ पे, समझाने का है कि हमारा NaCl को प्लेस किया, फिर हमने यहाँ पे ग्राफिक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल देखो किया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल देखो हमने यहाँ पे बनाए बैटरी में, हमने इसको एनोड के थोड़ को यहाँ पे हमने अटैच किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे समझाने का, इंग्लिश में लिख देने का। रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल्स ये थोड़ा सा बता देना, और ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ फ्रैक्शन में आ जाओ, हमारा क्लोरीन हमारा प्राइमरी प्रोसेस है, क्लोरीन हमारे यहाँ पे सेकेंडरी प्रोसेस है, दोनों में से जो कटेगा काट देने का, यहाँ पे देखो 2Cl- यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये Cl सब कट जाएंगे, यहाँ से 2Cl- और यहाँ से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2, देखो इसको लिख देंगे, दिस इज द ओवरऑल ऑक्सीडेशन। इस तरीके से हमको यहाँ पे सारा चीज़ें मिलेंगी, ऐसे हमको ओवरऑल रिडक्शन भी कर लेना है, और आफ्टर दैट हमको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिलेगा, यानी कि Cl Cl2 इस तरीके से, यहाँ पे Na है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ पे 2Cl और ये 2Na हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये Cl2 और ये 2Na हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारे को मिल जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl हमको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मोल्टन रिएक्शन हमको मिल गया ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर, मिलेंगे ऐसे ही अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सभी लोगों को इस वीडियो को भेज दो सभी अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो गाइस आप चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक अ लॉट।